भाजपा ने सत्ता संभालने के लिए रूसा हटाने के झूठे आश्वासन देकर प्रदेश की जनता और युवाओं को गुमराह किया है। ये बात पूर्व मंत्री जीएस वाली ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अब सरकार बन जाने के बाद प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं कि प्रदेश में रूसा प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बयान के लिए शिक्षा मंत्री व प्रदेश सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर को प्रदेश की जनता व युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। जीएस वाली ने कहा कि जब विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री जावड़ेकर दिल्ली में मिले थे तो उन्होंने भी कहा था कि पूरे देश में रूसा प्रणाली समाप्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें रूसा की ग्रांट ले रही हैं और उसी से कई शिक्षा संस्थान चले हुए हैं, लिहाजा रूसा प्रणाली समाप्त नहीं की जा सकती। आपको ठगा महसूस कर रहे हैं कि श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को पढ़ करके रूसा प्रणाली में परिवर्तन नहीं होगा। हमारे छात्र असेंबली में रहे हैं, इकट्ठे काम करने का भी मौका मिला, मगर ऐसा बयान जिसमें लाखों युवा जो है वो अपनी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि रूसा प्रणाली में परिवर्तन होगा, जबकि जब मेरे पास तकनीकी शिक्षा विभाग था तो मैंने उस वक्त ये स्टेटमेंट दी थी जब भाजपा के बड़ा नेतृत्व माननीय धूमल जी से लेकर के श्रीमान जितने भी मुख्यमंत्री जी बाद में सारे साथी उनके उस जुलूस में थे, जो जुलूस पूरे एबीपी के बच्चों को इकट्ठा कर करके शिमला में किया गया था और विधानसभा के बाहर इलेक्शन से इमीडिएट पहले ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बच्चों के हमदर्द जो है वो भाजपा है और विरोध करते हैं और रूसा को प्रणाली को बदलेंगे, जबकि मैंने बयान दिया था कि मैं अभी दिल्ली में मीटिंग करके आ रहा हूँ और जो उनके राष्ट्रीय मंत्री हैं जो कि भाजपा सरकार वहाँ बन चुकी थी, फिर प्रेस कटिंग देखेंगे तो मेरा ये बयान आपको मिलेगा। इसी तरीके से इलेक्शन एडवांटेज लेने के लिए बच्चों को मिसलीड करने में समर्थ हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इस बयान के साथ अच्छा होता कि माननीय शिक्षा मंत्री अपनी सरकार के बिहाफ पर नौजवानों से माफ़ी भी मांगते कि हमने आप लोगों को इलेक्शन से पहले गुमराह किया, हमने वो आपको उस ले गए थे और बिना सोचे समझे जो है वो एक राजनीतिक हमारी एजिटेशन थी जिसका कोई मतलब नहीं था। रूसा में परिवर्तन मिलेगा मगर उसके साथ इनको हिमाचल की जनता से, बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों से माफी मांगना चाहिए। बाली ने कहा कि प्रदेश में गंभीर जल संकट के लिए मौजूदा भाजपा सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने पिछले 5 महीनों में जल संकट को दूर करने के लिए कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। उसी का नतीजा है कि आज जल संकट के चलते होटल उद्योगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और इससे होटलों में कार्यरत कई कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। शिमला में गंभीर जल संकट के चलते पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करवाकर कहीं और जगह घूमने की योजना बना ली है, जिससे शिमला का होटल उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धर्मशाला में भी सभी होटल को अपनी लाइसेंस वेपन पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के निर्देश जारी करके लोगों में पैनिक फैलाई है। इसका भी सीधा असर होटल उद्योग पर पड़ा है और यहां आने वाले पर्यटकों के दिलों में खौफ का माहौल है।
जीएस वाली ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार सभी मामलों में नाकाम साबित हो रही है और प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वे बताएं कि होटल इंडस्ट्री में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और प्रतिदिन प्रदेश में चिट्टा नशे के कैप्सूल, चरस व गांजे के कैप्सूल भारी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यह पता लगाने में नाकाम रहा है कि नशे की खेप कहां से आ रही है और इस कारोबार में जुड़े बड़े बड़े सरगना कौन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को उन स्रोतों का पता लगाना चाहिए जहां से रोजाना नशे की खेप आ रही है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारों को पूर्व सरकार द्वारा दिए जाने वाला बेरोजगार भत्ता भी छीन लिया है, जिससे युवा वर्ग नशे की दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव अजय वर्मा सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। वाटर क्रेज इज वन थिंग, पूरा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग विंग है, डिजाइनिंग विंग है, प्लानिंग विंग है। हम जानना चाहते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। जब पिछली बार पता था कि जॉन्डिस से, वाटर क्राइसिस से इतने लोगों की मृत्यु हुई है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी नोटिस दिया था उन बातों का, उसके बाद बट वॉज द प्लान ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, वॉज दिस पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो, आर वी टॉकिंग एंड टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इशू विच कंसर्न द जनरल पब्लिक। उस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका रही, पर प्लेन इलाका है उसमें से हजारों टैंकर एवरी डे कुड फेड शिमला, तो से भर करके साफ सुथरा करके पानी दिया जा सकता। अगर उसको ड्रिंकिंग वाटर नहीं देना था तो उसको सफाई के लिए, नहाने के लिए, बाकी इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता था। क्या गवर्नमेंट ने दोनों पानी को बाइफरकेट करने का कोई प्लान किया कि पीने के पानी को अलग करें और नहाने के और यूटिलाइजेशन के और फ्लश के पानी को अलग करें? फ्लशिंग में भी वही पानी जा रहा है और दूसरे में भी वही पानी जा रहा है। कोई ऐसी योजना बनाई जिसमें गवर्नमेंट ये तय करती कि इतना पर व्यक्ति पानी जो है दिया जाएगा, उससे अधिक पानी नहीं दिया जाएगा। कि मैं तीन दिन पूरे देखता रहा, हेडलाइन जो आ रही थी 10 टॉप लाइन टीवी चैनल नेशनल की, उसमें से ये लाइन जो थी, वन ऑफ दी लाइन थी कि शिमला में प्रॉपर प्रोग्राम चल पड़ा की थी। उन्होंने सारी रिजर्वेशनें, मोस्टली रिजर्वेशनें कैंसिल हो गई। पता नहीं क्या वहाँ पे वायलेंस हो रही है, जो वेपन जमा हो रहे हैं, तो हम घूमने के लिए धर्मशाला क्यों जाएंगे? पहले जमा कराने से लीगल तो जमा हो ही जाएंगे जब भी चाहेंगे आप। जिस एरिया में कार्रवाई कर रहे हैं उस एरिए के 10 आउटलेट की, 5 आउटलेट की, 5 प्रॉपर्टीज की जहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं उनके वेपन ले लें,